Hello, my dear students. Welcome once again in my YouTube channel. So today my topic of discussion is very interesting, and I hope you all will understand very well. So this is one of the type of nervous system, that is peripheral nervous system. First thing I want to tell you that this is voluntary type of nervous system. This system consists of two types of nerves, spinal and cranial nerves. Okay, and spinal nerves arising from spinal cord, as the name suggests, spinal cords arise only, and cranial nerves arising from cranium. And these nerves are present outside the CNS. ये दोनों नर्व जो प्रेजेंट है वो सीएनएस के बाहर है और कनेक्ट करेंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ये कनेक्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेंगी बॉडी पार्ट से और ये ब्रेन को कनेक्ट करेंगी बॉडी पार्ट से. तो सेंसरी नर्व होती है, इम्पल्स को लेकर जाएंगी ऑर्गन से सीएनएस में, फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस. वहां पे एक रिसेप्टर चाहिए होगा और उन रिसेप्टर को एक स्टिमुलस चाहिए होगा ताकि वो सीएनएस तक उसको पहुंचा पाए, स्टिमुलस हो. दूसरी चीज, जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, ये इंपल्स को लेकर जाएंगी सीएनएस से बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. एंड इन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, आप ऐसा कह सकते हैं जो हमारे पास स्पाइनल नर्व है 31 पेयर में है और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर है. 31 पेयर्स और यहाँ पे 12 पेयर्स. और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि स्पाइनल और जो क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स तो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज होंगी. इनके नंबर मैंने आपको बता दिए. So you have to remember this point only, कि peripheral nervous system consists of two types of nerves, spinal and cranial nerves. I hope this video will help you for your understanding, and we will discuss a new topic in next lecture, that will be autonomic nervous system. Thank you dear students. I hope we will meet soon.